मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। जय जय श्री राम। कल 26 जनवरी थी और मैं कल कामाख्या माँ के दर्शन करने गया था। दर्शन करने के बाद कामाख्या रेलवे स्टेशन के पास ही एक गुरुद्वारे में मैंने कल रात बिताई है। अभी सुबह के लगभग 8 बजने वाले हैं, 20 मिनट बाकी है। मैं नहा धोवा के तैयार हो जा रहा हूँ, लंगर तैयार हो रहा है। लंगर करके हम आगे की यात्रा अपनी शुरू करते हैं। कल मुझे ये भैया मिले, भैया का नाम है प्रधान सिंह। पूरी रात भैया से बात करी, बहुत कुछ सिखाया इन्होंने। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही कमाल के इंसान है। आप तो चरणों के हकदार हो। आते हैं सर। रात का लंगर भी मैंने यहीं खाया था और आज सुबह को। यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा है। और आज सुबह को जाने से पहले उन्होंने बोला कि लंगर करके ही जाना। मैं नहा धोवा के फ्रेश हो चुका हूँ, अभी लंगर करके आज की यात्रा हम शुरू करते हैं। दोस्तों, कल मैं कामाख्या रेलवे स्टेशन के पास ही गुरुद्वारे में अपनी रात बिताई है और यहाँ सर लोगों ने मुझे रहने का जगह दिया। मैंने इन्हें बोला था कि मैं टेंट लगा लूँगा, पर सर ने बोला टेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने अच्छे से रूम दिया और आते ही मुझे लंगर खाने को मिल गया। बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, मैं सोचा था खाऊंगा। सर ने बोला कि लंगर यहाँ पर तैयार है, लंगर खा लेना। यहाँ से लंगर करके आज की यात्रा हम शुरू करते हैं। हरे कृष्ण। लंगर तो खिलाया, साथ में ये पैकिंग करके दे दिया। बोला रास्ते में भूख लगी है तो खा देना। शुक्रिया। हाँ। सफर कहीं कहीं जाना होगा तो दोस्तों, अभी मैं कामाख्या रेलवे स्टेशन के पास ही हूँ। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ हाईवे पे। हाईवे पे जाके लिफ्ट लूँगा और आज का टारगेट रहेगा मेरा बोंगाईगांव तक का, जो कि यहाँ से 170 किलोमीटर है। देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। दोस्तों, मैं जो सफ़र कर रहा हूँ उसका कुछ अता पता नहीं है। मुझे खुद नहीं पता होता है कि शाम कहाँ बीतेगी, रात का खाना कहाँ का होगा। भैया थोड़ी दूर जा रहे हैं, थोड़ा आगे मुझे उतार देंगे। नाम क्या है भैया आपका? मेरा नाम गोपाल रॉय। गोपाल रॉय। ब्रिज के पास एक भैया मिले थे, उन्होंने मुझे ब्रिज क्रॉस करवा दिया। जय श्री राम। राधे राधे। मैं तो चार धाम यात्रा पे जा रहा हूँ। चार धाम यात्रा। कहाँ पढ़ते हैं ये? उड़ीसा, रामेश्वरम, गुजरात, पूरा इंडिया। जय श्री राम। जय श्री राम। और ये जो सीधा रास्ता है, मुझे इसी रास्ते को पकड़ के जाना है। आज का मेरा डेस्टिनेशन है बोंगाईगांव तक का, जो कि यहाँ से 167 किलोमीटर दिखा रहा है। अगर मुझे कोई अच्छी लिफ्ट मिल गई तो एक ही बार में मैं पहुँच जाऊँगा। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं छोटी लिफ्ट ना लूँ। दोस्तों, अब वक्त आ चुका है कि मैं अपने ब्रह्मास्त्र का उपयोग करूँ। हाईवे में पहुँच चुका हूँ, ऐसे लिफ्ट लेने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कहाँ तक पहुँच पाऊँगा, ट्राई करता हूँ। कोशिश नाकामयाब हो गई मेरी। भाई मिल गई लिफ्ट। चलिए हो गया। कोई बात नहीं यार, ये जगह पनौती है, अच्छी लिफ्ट मिल नहीं रही थी, तो मैं छोटा लिफ्ट लेके यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ। साथ में मुझे भैया लोग मिले। अब कहाँ जा रहे हो, काम पे जा रहे हो? भैया लोग काम पे जा रहे हैं। ये जगह सही नहीं है, मुझे लिफ्ट ही मिल रही थी, तो मैं सोचा हूँ छोटा लिफ्ट लेके मैं इस जगह को पहले क्रॉस कर देता हूँ और उसके बाद देखते हैं। पास में भैया लोग यहाँ पे ड्यूटी जा रहे हैं और सामने वादियों का मजा लो यार, कितना सुंदर लग रहा है। अगर मैं बड़ी लिफ्ट के लिए रुका होता ना तो आधा घंटा हो गया लिफ्ट नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए मैंने छोटा लिफ्ट ले लिया। बड़ी लिफ्ट के चक्कर में, वो कहते हैं ना बड़ी रोटी के चक्कर में छोटी रोटी भी यहाँ से चली जाती है, तो ऐसा ही कुछ हो रहा था मेरे साथ। चलो भैया, थैंक यू। मैं डिब्रूगढ़ से आया हूँ, अभी चार धाम यात्रा कर रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया।
भैया ने 3 किलोमीटर तक ला के छोड़ा है। अब देखते हैं कि ये जगह मेरे लिए कैसा है। आई होप, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे मुझे अच्छी लिफ्ट मिल जाएगी। अब होगा वही जो राम रची राखा, प्रभु राम ने मेरे लिए जिसे भेजा होगा अब वही ना लिफ्ट देगा। ऐसे तो नहीं रेस्पॉन्स नहीं है यहाँ पे। कितने किलोमीटर जा रहे हो आप लोग? इधर से जाएगा 5 किलोमीटर जाएगा। 5 किलोमीटर है, कोई नहीं चलेगा। दोस्तों ट्रक में एक लिफ्ट मिली, मुझे लगा कि थोड़ी दूर तक जाएंगे, पर कोई नहीं, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर भी बहुत होता है, वो कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर भरता है। मैं जिस हाईवे में जा रहा हूँ इस हाईवे में बहुत कम गाड़ियाँ जाती है, भैया बता रहे हैं। और एक रास्ता है, और एक हाईवे है, भैया बता रहे थे उस हाईवे से जाता तो तुझे जल्दी लिफ्ट मिल जाती है ना। अभी मैंने गलत हाईवे ले लिया, यहाँ गलत नहीं लिया है, यहाँ से भी जा सकते हैं पर यहाँ पे बहुत कम गाड़ियाँ चलती है। कोई नहीं, इसी को तो ज़िंदगी कहते हैं, एक्सपीरियंस लेते लेते जाऊँगा। बस पहुँचने से हुआ ना, शाम तक पहुँच जाऊँगा, देखते हैं शाम तक पहुँच पाता हूँ या नहीं। अब इधर से जाएगा, अब इधर से जा सकता है, लेकिन आगे आपका मर्जी है तो आप तो आगे सोच देगा। अच्छा, आप आगे भी जाओगे? थोड़ा आगे जाएगा, इधर से जा सकता है। अच्छा अच्छा, मेरे लिए आगे जाओगे? आगे जाके उधर सोच देगा। थैंक यू। भैया को एक्चुअली यहीं तक जाना था, बोल रहे हैं थोड़ा आगे छोड़ के आता हूँ। इतने अच्छे अच्छे लोग हैं। थैंक यू। कहाँ तक जा रहे हैं आप? हम आगे जाएंगे, ये क्या चीज़ क्या है? जितना दूर जा रहे हो उतना दूर छोड़ दीजिएगा। चलिए, यहाँ पे कोई बड़ी लिफ्ट मिल नहीं रही है, भैया ने मुझे स्कूटी में लिफ्ट दी है। आगे जाके देखता हूँ कि कोई बड़ी लिफ्ट मिल जाए। कितना दूर जा रहे हो आप? कितना किलोमीटर होगा? 10 किलोमीटर। दोस्तों ऐसे ही अगर कोई बड़ी लिफ्ट नहीं मिली ना तो 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर छोटी छोटी लिफ्ट करके चला जाऊँगा। बड़ी लिफ्ट का तलाश में रहूँगा तो मैं जा ही नहीं पाऊँगा फिर। सही है, छोटी छोटी करके ही चलते हैं, इसमें भी अलग ही एक्सपीरियंस है। अब पंडित है क्या? हाँ, कितनी अच्छी बात है ना, मैं 4 धाम यात्रा कर रहा हूँ और मेरी लिफ्ट मुझे लिफ्ट पंडित जी दे रहे हैं। यहाँ हनुमान जी का झंडा लहर रहा है। हाय हाय, दिल खुश। जय श्री राम, जय श्री राम, ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भाई मेरा ब्रह्मास्त्र गिर गया, इसके बगैर मैं यात्रा ही नहीं कर पाऊँगा। ऐसे कोई लिफ्ट नहीं दे रहा है, और तू भी चला जाएगा तो मुझे कौन ही लिफ्ट देगा। पंडित जी ने मुझे यहीं उतार दिया है, ये आगे मंदिर में जा रहे पूजा करते हैं। चालू किया है? हाँ चालू है क्या? थोड़ा हाँ। बोलें दो बार। बोलिए बोलिए। जय श्री राम, जय बजरंग बली। हेमंत शर्मा पंडित जी जो हम यहाँ पूजा कराते हैं, और ये हैं सफ़र करने जा रहे हैं 4 धाम यात्रा जो है, और बहुत अच्छा लगा सुन के। और ये जो है आप देख रहे हैं 4 धाम यात्रा के लिए जा रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा है। आज 5वां दिन है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, और राम का दया है, राम का आशीर्वाद है। जय श्री राम। पंडित जी ने मुझे यहीं उतार दिया है, आगे मंदिर में जा रहे हैं वो पूजा करते हैं। इन्होंने मुझे बोला तू आगे तक चलते रहे, अगर लिफ्ट मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं तो पैदल चलते रहे, मैं पूजा करके आके तुझे उठा लूँगा। सर कहाँ तक जा रहे हो आप? कितना किलोमीटर होगा? 2-4 किलोमीटर होगा। ओके, छोड़ दीजिएगा। पाप और पुण्य की उल्टी यहाँ। कहाँ तक जाओगे सर? चिड़िया है। थैंक यू सो मच। दोस्तों यहाँ रुका हुआ था, कुलदीप भैया ने मुझे लिफ्ट दी है। यहाँ से भैया जा रहे हैं रोमिया, यहाँ से रोमिया छोड़ देंगे मुझे। कहाँ तक जाओगे भैया? आप कहाँ जाओगे? मेरा तो आज का टारगेट बोगाई गाँव तक का है। आपका? तो सीधा जाऊँगा सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी, चलो तब तो बहुत बढ़िया। सिलीगुड़ी जाओगे ना आप? बैग को रख दो आराम। ओके ओके, दिल्ली से हो? दोस्तों कहते हैं ना सबर का फल मीठा होता है,
और मेरे लिए तो सफ़र का पूरा काजू बर्फी जैसा हो गया भैया, मुझे फरिश्ते के रूप में मिला। मैं सोच रहा था कि आज का टारगेट मैं बोगाएगांव तक रखूँगा, भैया बोल रहे हैं सिलीगुड़ी तक जाएंगे। इतनी दूर तो फिलहाल मुझे अभी नहीं जाना है, मुझे एक्चुअली धुबरी तक जाना है। धुबरी में मेरी दीदी रहती है तो वहाँ उनसे एक बार मुलाकात करके जाना है। मैं वही गूगल मैप में रास्ता देख रहा था कि कहाँ तक जाना है। सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में एंटर हो जाता है, शेरगढ़ से ही हो जाता है। शेरगढ़ से हो जाता है ना, शेरगढ़ में बोर्डर आएगा, बोर्डर से बोर्डर। अच्छा अच्छा, यहाँ से सिलीगुड़ी 350 किलोमीटर है, 8 घंटे लगेंगे। भैया गए हुए हैं दुकान में कुछ ठंडा पानी वानी लाने। दोस्तों अभी हम बोगाईगांव पहुंचने वाले हैं, यहां से और 20 किलोमीटर है बोगाईगांव। बोगाईगांव से मैं थोड़ा आगे जाऊंगा, धुबरी के आसपास ही मैं कहीं उतर जाऊंगा। यहां गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, लोग मिलके धक्का मार रहे हैं। रास्ते में सफ़र करते करते हमें बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, यहाँ पे चाय ब्रेक के लिए रुके हुए हैं, गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं। दोस्तों कल मुझे धुबरी जाना है, अभी मैं एक मंदिर में आया हूँ, श्री राम जी के मंदिर में, और यहाँ मैंने पंडित जी से बात करी। पंडित जी ने बोला है कि यहाँ एक रूम खाली रहता है, आप वहीं पे रह सकते हो, तो मैं मस्त फ्रेश होकर मिलता हूँ आपसे। शाम के अभी 6 बजने वाले हैं और मैंने अपना टेंट आज यहाँ लगा लिया। पंडित जी बोल रहे थे कि यहाँ पे भी तुम सो सकते हो, पर यहाँ दीवार खुला है तो यहाँ पे मच्छर उच्छर आएंगे। अपना टेंट परफेक्ट है, ना ही मच्छर घुसेगा और ना ही ठंडी लगेगी। मैंने यहाँ अपना टेंट लगा लिया है, पंडित जी आ गए। पंडित जी शुक्रिया, आपने जगह दिया मुझे रहने के लिए। अच्छा इस रूम में, सामान थोड़ा किनारे को कोई बात नहीं, मच्छर उच्छर काटता ना, मैं वहीं पे सो जाता लेकिन मच्छर काटता है, तो इसके अंदर ना ही मच्छर काटेगा ना ही ठंडा लगेगा। चादर उधर है मेरे पास, आपने मुझे जगह दिया यही बहुत बड़ी बात है। 2, 3, 4, 5, 6 रोटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा पंडित जी, सच्ची बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इतना वेस्ट करना सही नहीं है ना। चाहिए तो मैं मांग लूँगा आपसे। दोस्तों सुबह को मुझे पता नहीं था कि रात कहाँ बिताऊँगा, और रात का खाना आज पंडित जी के हाथों से मैं पंडित जी के घर पे ही कर रहा हूँ। कितनी अच्छी बात है ना, वो कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा हुआ है खाने वाले का नाम। आज रात का खाना पंडित जी के हाथों से इनके घर पर मैं कर रहा हूँ, और मैंने अपना टेंट यहाँ पर लगाया है। चलो खाना खा के मिलता हूँ। आप यही रहते हैं? हाँ यही रहते हैं। अकेले रहते हैं? हाँ अकेले। पंडित जी यहाँ अकेले रहते हैं बहुत। ये सामने राम मंदिर है, अभी तो अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा, कल सुबह एकदम प्रॉपर ब्लॉग बनाऊंगा, बहुत मज़ा आएगा। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो एक कमेंट करके जाइएगा। और सामने राम मंदिर है और मैंने राम मंदिर में ही टेंट लगाया है पंडित जी के पास, तो कल सुबह भी दिखाऊंगा आपको प्रॉपर यहाँ का व्यू। ठीक है आज के लिए इतने, हम मिलेंगे आपसे कल एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी बी यंग, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम, चिक चिक बूम, राधे राधे।